राधिकाय स्तराय कृष्णाय कृष्णमूर्ताय और इतना काम आता
इसकी दे रही है और सेला गौर की श्रद्धा संतोष साईं बाबा जी महाराज का और तिरुवता अनुभव सब है महाप्रभु भक्त जगह दया के प्रधान जहां देखी दुष्टाहन गौर भगवान फिर महाप्रभु का जितने भक्त है फिर महाप्रभु भक्त जत दया के प्रधान फिर उनका नर भी दया के भी बोल है इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं वैराग विद्या शिक्षा पुरुष पुराण हुए भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योग कभी कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योग को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुत्र जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु भक्त जत वैराग प्रकार इसलिए इनका स्तुति में इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नम गौरवराय साक्षात वैराग्य मूर्ति कहते इनका मूर्ति क्या था कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ रघुनाथ वैराग्य जन्म पाषाण रेखा उसी तरह इनका अंदर में भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है ऊपर का जो उनका बैंस है और दूसरे वैराग्य का तात्पर्य होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है इसलिए साक्षात वैराग्य होता है कहते पित्र लंभ रसाम कहते वैराग्य विशेष अनुराग कैसे था कहते पित्र लंभ रस था ये साक्षात बुद्धिमान थे इसलिए सभी हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोथाए गो प्रेमयी राधे राधे यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था सब समय कोथाए गो प्रेमयी राधे राधे बोलकर कीर्तन करते थे और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा कितने जोर जोर से हरिनाम करते थे इसलिए इनका शिक्षा है उच्च स्वर कर्म हरि नाम गाओ नामे प्रभाव स्मरण हरि में सेकाले भजन निर्जन संभव इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक शिक्षा दिया है इसलिए जो इसलिए कभी कभी उनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की शिक्षा दो अष्टकालीय लीला की हमें शिक्षा दो लेकिन बाबा जी महाराज तो साक्षात सिद्ध पुरुष है उनको पता है कि अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वर की चिंता नहीं कर सकते ये अष्टकालीय लीला स्मरण करने का अयोग्य है इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे शिक्षा नहीं देते थे इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है इसे श्रीमद् भागवत में महा वैराग्य करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा क्योंकि जो वैराग्य है उनको विशेष करके लगना है रक्षी सती विश्वास और गोतृत्व वर्णन कथा यदि उनको भगवान गोबर में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रथ में कृष्णा विश्वास पालन भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे तभी यह चीज को कौन विश्वास कर सकते हैं यदि वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणागत इसलिए भागवत में सिर्फ सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैराग्य के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है भगवान ने इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया फिर तुम खाने के लिए कुछ चिंता करते हो कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो कहीं स्थान होनी चाहिए कहते क्यों भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने इतने बड़े पृथ्वी बनाने सोने की
इसमें क्या सोचा, सिर्फ पीने के लिए तो पानी चाहिए, इतने भगवान इतने जो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया, तो भगवान क्यों इतना नदी भी बनाया? कहते ठीक है, लेकिन हमको पानी पीने के लिए कोई पात्रता चाहिए। कहते क्यों? भगवान अंजल नहीं दिया, ये अंजल दे दिया इसलिए पानी भर कर पी लो। कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए, हाँ बिस्तरा चाहिए, और सोने के लिए बगैर तकिया क्यों नहीं दिया आएगी? कहते क्यों भगवान, ये हाथ नहीं दिया, ये हाथ की सहारा से सो जाओ। कहते अगर जंगल में आप बोलते हो, जंगल में रहकर भजन करेंगे, अगर शेर आकर खा गया तो? कहते क्यों भगवान, क्या अपना भक्त सरलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है? भगवान को कभी कोई विश्वास नहीं है क्या? यह जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बता रहे, क्योंकि धन दुर्बल दुर्मधारा, जो धन नष्ट मधवाला है, उनको पास में गिड़गिड़ा निकाल, उनको पास में हाथ भरने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान को करके निर्भर करके भगवान भजन करो, भगवान संपूर्ण दुख का रक्षा करेंगे। क्योंकि यह जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बता रहे, ये एक एक वस्तु ये गौर किशोर दास महाराज महाराज का जीवन में ये देखने को मिलता है। इसलिए गौर किशोर दास महाराज तो रहते थे कहाँ पर? कोई अच्छी जगह में नहीं, वो साधारण में पैखाने में रहते थे। कहते क्यों? कहते ये इसका बदबू सही है, हाँ, लेकिन बाहर रहेंगे इससे लोग इनको आकर तरन करते थे, जानते थे सिद्ध महात्मा, इसलिए कभी कभी सारी तरफ में ताकता बिछवा मछली का ताकता सारी तरफ में बिछा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि वाह मछली खाने वाला बाबा है, लेकिन मछली का कांटा की मारे कम से कम मेरे को पानी नहीं करेंगे, विषय का जो गंध है कम से कम मेरे कान में तो नहीं आएगा, इसलिए उन्हें इससे डर से वो पैखाना करते थे, जोर जोर से हल्लाम करते थे। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्डर होकर के सिंह रूप में सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है, इसलिए हमारे महाराज जी को भी देखो, वो भी एक शहर है, हमने बहुत सारी जगह में गए, महाराज जी को देखा, बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन दो तीन जगह में देखा, कहीं भक्ति का विरोध कहीं मायावती को बाहर में किसी ने बोल दिया तो महाराज भी शेर जैसे एकदम उसका झपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था, महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे उसको एकदम इसका जो सिद्धांत को ऐसे चकनाचूर कर रहे, मैं डर रहा था, महाराज जी कोई डर है नहीं। इसलिए ये गौर किशोर दास महाराज महाराज परंपरा में समझो कि महाराज भी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है, इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है, खबरदार वहां जाना नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, सर्वप्रथम हुए श्री पार्वजा गोविंद मठ सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है। और प्रभुपाद ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जैसे वेश है, कौन सा वेश है? कहते बाबा जी वेश है, लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है, प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास वेश किया, और संन्यास वेश लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था, जब मैं अप्रकट शरीर छोड़ता मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण दिशा के लिए मेरे को विलास नहीं करना, कम से कम नवद्वीप का राज्य तो मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया, इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए। और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा, अगर इसको समाज देंगे कम से कम लोग आकर उसको प्रणाम देंगे, कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा, इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग एकत्रित हो गए। प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं, उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है, इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ, यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। लेकिन वहां पर चार बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है, उससे बड़े झगड़ा हुआ। वहां पर पुलिस अफिसर लोग सब आ गए, जो पुलिस अफिसर आए वहां पर प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं, तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है? कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात महापुरुष है, महाभागवत अप्रकट कलेवर, अगर इनको
शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य त्यागी है और मैं भी उनके त्यागी शिष्य हूँ, इनको कोई त्यागी महापुरुष सही समाधि दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। नदी तो बाबा जी वैसे है, चल ऊपर से केवल बाबा जी वैसे गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है, एक साल के अंदर में अगर किसी भी मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया, वो आकर के इनको समाधि दे, नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके लाभ बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कांप गए, जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार थे वो तो पीछे पीछे सरकने लगे। कहता अगर एक साल में नहीं, वो छह महीना का अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है, अगर हुए आकर के तो शरीर को समाज दे। इसको सुनते और कुछ बाबा किस गए, अगर अगर छह महीना को अंदर में नहीं, अगर एक महीना को अंदर में अगर किसी नहीं किया है और कुछ किस गए, ऐसे कोई मेरे भी कहते 15 दिन एक सप्ताह लाख प्रभुपाल ने ये बताए, एक दिन पहले तक, एक रात के पहले तक मन में अगर इसने स्त्री को स्मरण नहीं किया, अगर इसे कोई व्यक्ति आए तो समाज दे। बोलते ही सभी को अवश्य खराब हो गया और एक एक उसे सबके सब भीतर गए। वहां पर जितना पुलिस ऑफिसर थे वो दंग रह गए, ऐसे ही सब साधु है। तो प्रभुपाद ने उनके शरीर को, उन्होंने बताया था हमारे शरीर में रस्सी बांध करके, वो लोग सोच रहे थे दास बाबा जी महाराज का निर्देश है, रस्सी बांध कर संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को घिसड़ते हुए ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनको गुरुदेव को जो भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, एक सुंदर शिष्य के हृदय में भी शुद्ध गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को, जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर क्या है, वैष्णव का शरीर अपराधित दिव्य है, इसलिए वो शरीर को महाप्रभु कितना आदर दिया, अपना गोद में उठा करते होते हुए महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाधि करते अपना हस्त में महाप्रभु ने कितने आदर दिया वैष्णव शरीर को। उनको कोई रज की, कोई नवद्वीप रज की उनको कमी है, जब 24 घंटा में निरंतर जब रूप में जो अंतर वाले लीला को हृदय में चिंतन कर रहे हैं, क्या कोई को रस कोई अलग है, संपूर्ण रज ही रज है, संपूर्ण अपराधिक अलग है, इसे महाप्रभु ने आदत दिया और इनका शरीर घिसा करते जाएंगे। तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथों में ही वे उनको समाधि देते हैं। इसलिए प्रभुपाद का कुछ गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का कुछ लीला से आदेश से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती है। कहते तो नहीं, प्रभुपाद वास्तव रूप में शिष्य है, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का जो अभीष्ट है श्री चैतन्य मन अभीष्ट, गौरकिशोर बाबा जी महाराज अभीष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा किया। उनने कहा कलकत्ता में नहीं जाना, अगर मैं भागवजर गौड़ी मठ मायापुर में नव मठ को चैतन्य मठ जगत में मठ स्थापन नहीं करते, अभी हम लोग जो पापी शरीर पापी कीड़े शरीर कीड़े हैं, कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे, कभी हमें सुजग मिल सकता था। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है, निष्क्रिय रूप में प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं। हाँ, और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं, ये कभी हो सकता था? तो क्या गुरु क्या चाह रहे, गुरु जी का क्या इच्छा है? गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापित जनकुतले, चैतन्य महाप्रभु का मन अभिष्ट है। महाप्रभु का मन अभिष्ट क्या है? महाप्रभु का मन अभिष्ट है प्रति घरे घरे किया स्वर एक भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, महाप्रभु का यही आदेश है। या वही ना बोली में ना बोलाए यार, पृथ्वी के आशीर्वाद नगर आदि का सर्वत्र प्रचार नहीं मरना, ये महाप्रभु का यही मनोभिष्ट है। अगर यह मनोभिष्ट को किसने जगत में स्थापन किया तो किसने स्थापन किया है? श्रीला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अभिष्ट ही नहीं, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाल उठ रहे, सब कृष्ण कीर्तन में नजवा हो रहे, ये किसका कृपा है? ये गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु का उनका ये कृपा है। इसलिए उनका वो कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए। उनको एक समय गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपूरी धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके ठाड़ बाड़ के गई प्रभुपाद के पास में आए।
जो कि अत्यंत अत्यंत वैराग्य रूप में रहने वाले किसी तरह से काफी करके इसको देखे तो भले आई ये दलकिशन दास कौर इतना बढ़िया धोती इतने बढ़िया कपड़े और हर भाषा क्या बात है कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो कहते यही बेस नहीं बेस कहते क्यों कहते कुछ बाबा जी लोग बाबा जी जो वैराग्य का बेस लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं लिए बाबा जी का बेस कर रहे हैं बड़े व्यक्तिगत काम उससे तो अच्छा है अच्छे बेस पे खाड़ वाड़ कर रहा करो और भगवान से भजन करो। इसलिए उन्होंने ये सीखा किया किस समय किसी सिक्के के ऊपर में गौरक्षदास भगवत महाराज घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लगाए किसी एक स्त्री ने देख लिया था उसको देख लिया था तो जब वो सांप चला गया स्त्री आकर बोले बाबा जी महाराज हमने देखा है एक सांप इस सिक्के के ऊपर में चढ़े और मुंह लगाया खबरदार खाना नहीं बन जाओगे। इतने गौरकिशोरदास महाराज इतने बिगड़ गए उसका घर में तू यहाँ से चले जा सत्यानाशी यहाँ पर किसी लिए आए क्या करने के लिए आए भाग यहाँ से अगर मेरे को साफ खाई जाए तो अच्छा लेकिन तू नहीं खा जाए। इसलिए वहां पर गौरकिशोरदास महाराज हमारा शिक्षा देते हैं हमारे विश्वनाथ चक्र में हम कहते हैं कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कहते सनई सनई कहते धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते ही साधु के पास में आकर के धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 जीव बद्ध होते ही है धीरे धीरे सेवा पा पा करके उसको प्रति हो जाता है स्त्री भावना धीरे धीरे जैसे प्रेम बढ़ते 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 स्त्री भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है माया चल जाता है। इसलिए गौरकिशोरदास महाराज ने शिक्षा दिया अंत अंत विश्व भक्षण अपने साधु कहते चहर खाने पर कहते एक जीवन बर्बाद होता है लेकिन अगर इसने माया में फंस गया तो कहते एक जीवन किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है। इतने जोर जबरदस्ती ऊपर में माया के संस्कार बढ़ता है एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म घटना के मुझको लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे भजन करने वालों को कितने दूर रहना चाहिए माया से यहाँ पर गौरकिशोरदास महाराज महाराज अपना जीवन चरित्र शिक्षा देते आज उनका तिरुभाव है वे अपना जीवन में जो शिक्षा दिया बहुत कठिन है उनको शिक्षा ग्रहण करना एक सुंदर वैराग्य है। इसलिए हम गुरु जी के चरण में मतलब गौरकिशोरदास महाराज महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं वे हम लोग को बड़ा आशीर्वाद कृपा करे किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेकर हम अपना जीवन में भजन साधन कुछ कर सकते Yeah.
नित्यानंद प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद इसी भक्तिविदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद. And secondly, to equal Dandavat pranams and Shraddha Vrishpanjali to the lotus feet of my beloved Sikh Shaguru Dev, Om Vishnupada Stotara Sata Shri Shiva Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and Nityanda Dravishta Om Vishnupada Stotara Sata Shri Shiva Bhakti Rakshak Shri Parva Goswami Maharaj. To all the Vipaduka Guruvarga, to all the Vaishnava Sannyasika, all Vaishnavas and Vaishnavas. So the blessed disappearance day of Nityananda Prabhishta Om Vishnupada Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj is a very wonderful opportunity to remember the qualities of a Mahabhagavat Rasik Vaishnava who lived within the holy Dham, Sri Navadvip Dham, completely immersed in the eternal pastimes of the Lord, but yet interacting within this world externally, performing the activities of a sadhaka, although siddha, mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six Goswamis, also they perform their internal bhajan and internally they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally they were also showing So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand, in the case of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, that we say he was sakshat vairagya purukai. He was directly the embodiment of vairagya. But this vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather, this vairagya was the result of his extreme moods of viparamba, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj's renunciation was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam-bhaja and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a bhajanandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Goswami Anandi, which his great disciple
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada performed. But they were, of course, on the same level. The difference between Bhajanandi and Gosyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth, in Aruga Guru Varga, who very extensively preached. But all were on the same level, actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gosyanandi or Bhajanandi. So Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices by his, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice. He would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There was one incident of a young Babaji who came, and he wanted to do bhajan. In the association of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. So, he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul. Because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition. And therefore he is acting as his real friend. But unfortunately the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform non-bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him. And they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There is one incident of one Munindra Chandri Chandra Pula. Yeah, Munindra Chandra Nandi. He was a very powerful royal figure, landowner. But he